गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो है लिटरेरी टर्म्स करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपकी कुछ लिटरेरी टर्म्स की थी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही हैं। आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही जो बाकी के लेफ्ट आउट लिटरेरी टर्म्स है, जो बची हुई लिटरेरी टर्म्स है वो करेंगे। उसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं लिरिक्स। लिरिक्स व्हाट इज लिरिक्स? लिरिक्स क्या है? अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोयम और सॉन्ग व्हिच कैन बी संग टू द अकॉम्पैनिमेंट ऑफ म्यूजिक। The qualities which make a lyric attractive are its musical qualities and the intensity of the emotions which may be either sad or happy. तो lyric basically है ऐसी short poem होती है और song होता है। Short poem और song है जो कि sung to the accompaniment of music, हमेशा music के साथ accompany किया जाता है। और उसकी जो basic qualities होती है वो है म्यूजिकल क्वालिटीज एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, मतलब उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं और म्यूजिकल रिदम होती है उस पोयम में और सॉन्ग में। और ये एदर सैड होती है और हैप्पी, किसी भी वे में लिखी जा सकती है। सैड मूड के लिए भी लिखी जा सकती है और हैप्पी मूड के लिए भी लिखी जाती है। तो एक बार हम आप इससे देख लेते हैं। अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोयम, एक शॉर्ट पोयम और सॉन्ग है जो की म्यूजिक के अकॉम्पैनिमेंट में, जिस म्यूजिक के साथ आसन किया जाता है, और इसकी जो बेसिक क्वालिटीज है वो म्यूजिकल क्वालिटीज है एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस है। और ये सैड भी होती है और या तो सैड होंगी या हैप्पी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो public occasions it is almost in rhyme and longer than the lyric proper and it is serious in subject matter. So, जो odd है वो भी song होता है और lyrics भी song होता है, लेकिन जो odd है वो chorus song है, मतलब generally ये group में होता है, chorus में गाया जाता है और ये हमेशा public occasion पे के important है, generally public occasions के लिए बनता है। odd इट इज ऑलमोस्ट इन राइम, ये भी राइम में हो जाएगा, इसमें भी राइम होती है और रिदम होती है एंड लॉन्गर देन द लिरिक प्रॉपर। और ये जो और होता है वो लिरिक से जनरली बड़ा होता है, बिग होता है और जो है सीरियस होता है सब्जेक्ट मैटर में। अगर इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसमें सीरियसनेस होती है, गंभीरता होती है, जबकि लिरिक के बारे में हमने पढ़ा है कि या तो सैड होगी, सैड भी हो सकता है या हैप्पी भी हो सकता है, बट और सीरियस जब होती है, जब सामने कोई लिसनर नहीं होता
तो वन पर्सन है लेकिन यहाँ पे हमेशा लिसनर होता है. द लिसनर डज नॉट इंटरप्ट बट द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर इज इंडिकेटेड थ्रू रिस्पॉन्स ऑफ द स्पीकर. लिसनर कभी भी इंटरप्टर नहीं करता है कि जो स्पीकर बोल रहा है उसमें कुछ कुछ बीच में बोल रहा है, नहीं. सिर्फ वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या नॉडिंग से जो भी एक्सप्रेशन देके अपनी उपस्थिति को दिखाता है और ये हमें तब पता चलता है कि जब रिस्पॉन्स देता है स्पीकर उसके इंडिकेशन को, उसके एक्सप्रेशन को. जब रिस्पॉन्स देता है तब हमें पता चलता है कि वहां पे कोई लिसनर भी है. सो मोनोलॉग क्या है एक बार से फिर से रिपीट कर देती हूँ. मोनोलॉग एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जिसका लिटरेरी मीनिंग होता है स्पीच ऑफ वन पर्सन एंड इट इज यूज टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ लिसनर. मोनोलॉग में हमेशा लिसनर होता है. मैंने आपको अभी बताया था कि एक और टर्म होती है सोलिलोक्वी, वो भी स्पीच ऑफ वन पर्सन होती है लेकिन वो जनरली माइंड में स्पीक आउट की जाती है, वहां पे कोई लिसनर नहीं होता. द लिसनर डज नॉट इंटरप्ट बट द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर इज इंडिकेटेड थ्रू रिस्पॉन्स ऑफ द स्पीकर. और चूंकि लिसनर वहां पे है लेकिन वो स्पीक आउट नहीं करता तो हमें कैसे पता चलता है, जब स्पीकर का कोई रिस्पॉन्स आता है तब हमें इंडिकेशन मिलता है कि वहां पे कोई लिसनर है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है माई लास्ट विजिट बाय रॉबर्ट ब्राउनी एंड द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी एस एलियट. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी कोई भी लिटरेरी टर्म फिगर ऑफ स्पीच आपको पूछी जाए तब आपको एग्जाम्पल्स लिखेंगे. आपकी जो पार्टी की जो लिटरेरी टर्म्स है उसमें सॉन्ग है एंड मेलो ड्रामा बचा है जिसे हम देख लेते हैं. तो सॉनेट, सॉनेट क्या है, आपकी जो सिलेबस बुक है उसमें गूगल वर्ड्स बुक है उसमें भी कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सॉनेट है. तो एक जो सॉनेट लिटरेरी टर्म्स है आपके अकॉर्डिंग आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है जो कि आपकी जनरली पोएम्स में काफी सॉनेट्स आपकी बुक के अंदर सिलेबस में आती हैं. तो उसे हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्ली सॉनेट होता क्या है. सॉनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइंस एक्सप्रेसिंग वन सिंगल थॉट और फीलिंग. इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स ऑक्टेव स्टैंजा ऑफ 8/9 सस्टेव स्टैंजा ऑफ 6/9. तो इसे हम अभी देख लेते हैं डिटेल से कि सॉनेट जो होती है वो मेन, आप जब भी सॉनेट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कीवर्ड्स जरूर ध्यान रखें. पोयम ऑफ 14 लाइंस ऑलवेज, कोई भी पोयम जो 14 लाइंस की हो आइदर इंग्लिश पोएट्रीज और आइदर इंडियन पोएट्रीज, इफ इट इज ऑफ 14 लाइंस दैट इट इज अ सॉनेट. कंपल्सरी वे में वो सॉनेट ही है अगर वो पोयम 14 लाइंस की है. अगर वो 14 से 15 की हो जाती है तो वो सॉनेट नहीं है, वो सॉनेट में काउंट नहीं होती है. तो सॉनेट जो होती है शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइंस होती है जो कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है. तो 14 लाइंस की पोएम तो सॉनेट ही है लेकिन उसमें होता क्या है, इट ऑलवेज एक्सप्रेसेस वन सिंगल थॉट, एक सिंगल थॉट और फीलिंग को लेके चलती है. एक ही पोएट्री एक ही थॉट को उसकी जो प्रॉब्लम है उसको लेके चलती है और सॉल्यूशन को लेके चलती है. उसमें दो डिस्कस करता है. अब ये जो थे कि कितने पार्ट्स होते हैं, अब
लेकिन जनरली जिन सोनेट्स की हम बात करते हैं उनमें दो सोनेट्स काफी फेमस है, जिनमें है पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट। जो पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट है और दूसरी आती है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, जो कि आप आपके सिलेबस में पढ़ चुके हैं दोनों ही। इसमें से एक सोनेट के बारे में हम देखते हैं पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट, इट हैज टू पार्ट्स। पेट्रार्चन जो सोनेट होती है, इटालियन सोनेट होती है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं और वो ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, जिसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्टेव तो 8 लाइन का स्तंभ होता है और सेस्टेट का 6 लाइन का स्तंभ होता है। लेकिन इसमें जो ऑक्टेव है वो टू क्वार्टेंस में डिवाइड होता है। टू क्वार्टेंस मीन्स वन क्वार्टेंस इज ऑफ अ 4 लाइन। एक जो क्वार्टन होता है, एक जो स्तंभ होता है वो 4 लाइन का होता है और दूसरा स्तंभ होता है वो 4 लाइन का। तो इसमें कितने में डिवाइड हो गया, टू क्वार्टेंस में डिवाइड हो गया। दो स्तंभ, एक स्तंभ 4 लाइन का, दूसरा स्तंभ 4 लाइन का, तो ये हो गई टोटल इसकी 8 लाइन। और जो सेसेट है वो टेरेक्ट में डिवाइड होता है और टेरेक्ट होता है 3-3 लाइन। फर्स्ट स्तंभ 3 लाइन का, जो लास्ट की 6 लाइन में से फर्स्ट की जो 3 लाइन से वो, फिर सेकेंड जो स्टैंड है वो भी 3 लाइन का। तो ये हो गया टेरेक्ट। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट, इसे एक और नाम दिया जाता है मिल्टनी सोनेट। जो मिल्टन की फेमस है इटालियन सोनेट, तो इसे मिल्टनी टाइप भी दिया गया है, जो की 2 पार्ट्स में होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव जो होता है वो 2 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, 4-4 लाइन का स्टेंजा होता है, क्वार्टर मीन्स 4 लाइन का एक स्टेंजा। और जो सेस्टेट होता है वो टेरेक्स में, टेरेक्स क्या होता है, 3 लाइन का स्टेंजा होता है। तो इसकी जो सेस्टेट है, जो 6 लाइन से, वो 2 स्टेंजा में डिवाइडेड होती है। और जनरली जो पोएम इटालियन सोनेट और पेट्रार्चन सोनेट और मिल्टनी सोनेट है, ये जनरली इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो फिक्स होती है, इन्हीं राइमिंग स्कीम पैटर्न पे वो बनी होती है। ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी बी ई, सी बी ई, इन राइमिंग स्कीम्स को लेकर इटालियन पेट्रार्चन और मिल्टनी सोनेट बनी होती है। अब हम दूसरी सोनेट की बात कर लेते हैं, द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। इट हैज 3 क्वार्टर्स एंड अ कपलेट। क्वार्टर्स हमने अभी देखा है कि ये 3 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब 4-4 लाइन के 3 स्टैंजास होंगे, 4-4 लाइन के 3 स्टैंजास होंगे। तो 12 लाइन्स हो गई। और कपलेट, कपलेट मीनिंग होता है 2 लाइन्स, लास्ट की जो 2 लाइन्स है वो कपलेट होता है। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो 3 क्वार्टर्स में डिवाइड होती है और कपलेट 2 लाइन्स का, लास्ट की 2 लाइन्स कपलेट कहलाती है। इनकी राइटिंग स्कीम ऐसे होती है, ए बी बी ए, सी बी सी डी, सी एफ सी एफ एंड जी जी, इनकी राइटिंग स्कीम होती है। फर्स्ट क्वार्टरमेंट, सेकेंड क्वार्टरमेंट, थर्ड क्वार्टरमेंट एंड अब कपलेट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सोनेट क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ 14 लाइन्स एक्सप्रेसिंग वन सिंगल और थॉट ऑफ गुड फीलिंग। 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये ऑक्टेव होता है 8 लाइन का स्टैंजा, स्टार्टिंग 8 लाइन का स्टैंजा, सेस्टेट होता है लास्ट की 6 लाइन का स्टैंजा। और जनरली सोनेट्स 2 टाइप्स की होती है, पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट, जिसे मिल्टनी सोनेट भी कहते हैं। ये भी ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होती है। और जो इटालियन सोनेट है, इसके जो ऑक्टेव पार्ट है वो 2 क्वार्टर्स में, मतलब 4-4 लाइन्स के 2 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। और जो सेस्टेट है वो डायरेक्ट में 3 लाइन्स के स्टैंजा में डिवाइडेड होता है। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, इसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब 4-4 लाइन्स के 3 स्टैंजा और लास्ट में एक कपलेट होता है। और इसकी जो राइटिंग स्कीम होती है, ए बी बी ए, सी बी सी डी, ई एफ ई एफ जी जी होती है। राइटिंग स्कीम के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी जो लाइन का लास्ट वर्ड का लास्ट साउंड जो होता है उससे हम राइमिंग बनाते हैं हर पोएट्री में। और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑन हिज मैडनेस बाय जॉन मिल्टन। ये एक मिल्टनी सोनेट है, पेट्रार्चन और इटालियन सोनेट है। एंड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये आपके सिलेबस में ही पोएम दी गई है, जो की अभी कट हो चुकी है आपके सिलेबस में से। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और ये इंग्लिश सोनेट है। आई होप आपको सोनेट क्लियर हो गया होगा कि सोनेट क्या होता है। अब आपके जो कोर्स में लास्ट लिटरेरी टर्म बची है वो है मेलोड्रामा। ड्रामा हमें पता है
कि नाटक के किसी भी कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है तो मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या हुआ, मतलब ओवर इमोशनल या बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के जो कोई भी कैरेक्टर अपने इमोशंस को शो करता है वो मेलोड्रामा होता है। तो हम एक बार इसे देख लेते हैं। इट इज अ ड्रामेटिक वर्क इन विच द प्लॉट, प्लॉट मतलब उसकी जो कथानक है, कहानी है, विच इज टिपिकली सेंसेशनल एंड डिजाइन टू अपील स्ट्रॉन्गली टू द इमोशंस ऑफ इमोशंस। तो ये एक ऐसा ड्रामेटिक वर्क होता है जिसकी जो स्टोरी है, कहानी है, वो बहुत ही सेंसेशनल होती है, मतलब ओवर इमोशन को शो करने वाली होती है एंड स्ट्रॉन्गली इट अपील टू स्ट्रॉन्गली टू द इमोशन। और ये जो लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है उसके उनके इमोशन को काफी टच करती है, काफी इमोशनल कर देती है ऑडियंस को। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स आर ऑफन सिंपली ड्रॉन एंड मे अपीयर स्टीरियोटाइप्ड। ये जिनके कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही सिंपल एंड सोबर दिखाए जाते हैं लेकिन उनके उनमें काफी इमोशंस को शो किया जाता है और ये स्टीरियोटाइप होते हैं। स्टीरियोटाइप जो अपनी एक थॉट को, जैसे हम रूढ़िवादी कह सकते हैं, अपनी एक थॉट को लेकर चलते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो सिमिलर रहता है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेलोड्रामा क्या है। ये ऐसा ड्रामेटिक वर्क है जिसकी स्टोरी, जिसका प्लॉट सेंसेशनल होता है और स्ट्रॉन्गली इमोशनल होता है और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंपल सिंपली ड्रॉन होते हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टराइजेशन होता है एंड दे आर स्टीरियोटाइप्स, वो थोड़े स्टीरियोटाइप्स होते हैं। मतलब कुल मिला के मेलोड्रामा है बहुत ज्यादा ओवर इमोशन होना, किसी भी चीज की अति जैसे हम कहते हैं वो चीज होती है मेलोड्रामा। इसके एग्जांपल्स हैं स्टिल लाइफ, ब्रीफ एनकाउंटर बाय मिनोल पोअर एंड मिल्ड्रिड पायर्स बाय जेम्स एंड किंग। ये इसके एग्जांपल हैं। तो ये आई होप आपको जो आपके सिलेबस में जितनी भी लिटरेरी टर्म्स दी गई